सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क नूब पीवीपी का। तो गाइस, आर्क नूब पीवीपी के पिछले एपिसोड में सोम जो हमारा भाई है वो हमारे ट्राइब में जो है ज्वाइंट हो चुका था। हमारा एक सब्सक्राइबर है वो हमारे ट्राइब में कैसे अभी ज्वाइंट हो चुका था। और गाइस, अभी हम लोग आज के इस एपिसोड में जो हमारा छोटू सी गुफा के अंदर बेचे ना गाइस, उसको शिफ्ट करके एकदम बड़े से ताजमहल में अपना भाई बेस बनाने वाले। वो कैसे गाइस, देखते जाना गाइस आज का एपिसोड से आगे। तो गाइस, आज का जो एपिसोड है ना गाइस, वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गेमिंग विद हैनी और हमारे व्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। और गाइस, वैसे जब मैं इसको जो है ना गाइस सोम को अपने ट्राइब लेने जा रहा था ना, ये भाई मेरी वीडियोस देखता है क्योंकि मेरे हाथ में गन थी गाइस बाय डिफॉल्ट। और ये बंदा ना हो वो अलग बात है, गन में जीरो एमो थी मेरे पास, बट ये बंदा जो ना बार बार ऐसा पीछे भग रहा था गाइस। देखना थोड़ा सा भाई पीछे जाके वीडियो देखना, इंट्रो ही देखना पीछे जाके, ये बंदा ना ऐसे पीछे भग रहा था क्योंकि इसको लग रहा था कि गन से मैं इसको उड़ा दूंगा यार। बट गाइस ऐसे नहीं करा क्योंकि हमको ट्राइमेट की काफी ज्यादा जरूरत है, वरना इसके साथ भी स्कैम कर सकते थे, तो कुछ सीन नहीं है। तो गाइस, अभी आज का जो एपिसोड है ना, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे हमारा नया बेच जो है ना गाइस वो कौन सा होने वाला है। लेट्स गो। हेलो सोम, अरे तुम्हारा नाम क्या है ब्रो? सोम। सोम है क्या? अभी रिपली लगा देना वहाँ पे खाली, ठीक है? और आ जाओ, ये इस बेस पे कब्जा कर लेते, फाउंडेशन है, रिपली लगा के उसमें सिप ये बना लेते, रॉकेट लॉन्चर। और वो रिपली होगा ना इसके अंदर शायद, किसी के अंदर तो है, किसी के तो अंदर है, एक के इधर तो नहीं है। रिपली रिपली रिप्लीकेटर यहाँ पे तो मैं लेके आया था उधर से, रुकना, लास्ट वाले इसमें होगा, नहीं है क्या? नहीं मिल रहा है क्या इसमें? नहीं है। रुकना, रिपली रिपली की स्पेलिंग क्या होती है? आर ई पी ना? हाँ हाँ आर ई। बेस कैंप तो आ क्यों नहीं रहा? दो मेरे पास रिपली होने चाहिए टेक वाले, बहुत देर से ढूंढ रहा था। अच्छा रिपली, अरे ये रहा रिपली, ये फर्स्ट वाले में है, ये रहा ये रहा ये रहा, पड़ा हुआ इस वर्ष वाला, ठीक है? तो रॉकेट लॉन्चर लेके जाते और उस बेस पे कब्जा कर लेते फटाक से। ये तो अपन छोड़ देंगे अभी थोड़े टाइम में। अरे यार, खाने के लिए कच्चा कच्चा मीट है, कुछ है खाने के लिए? कुक मीट है। अच्छा दे दो दे दो दे दो, मैं कच्चा मीट खा रहा भाई, यहाँ पे गरीबी आ चुकी है। लेट्स गो गाइस, फाड़ देंगे। नई लोकेशन मिल गई है, रुकना मैं तब तक वो बना देता ना, रॉकेट लॉन्चर और वो बना लेता। अपनी फाउंडेशन भी लेके चलते, जैसे उड़ाएंगे वहीं पे लगा देंगे अपने वाली। 10 रॉकेट। अरे भाई क्या हुआ, हाँ खींच लिया क्या? एक साथ रुक जाना यहाँ पे सब कुछ। हाँ भाई, मिड बिड क्या जमीन पे गिरने के बाद दिख रहा है एकदम। क्राफिक काफ़ी कूल बना के रखी इन लोग ने। रुकना, फाउंडेशन शायद अपने पास पड़ी। हाँ ये लो, ये फर्स्ट वाले में से फाउंडेशन है, देखो 100 100, ये फर्स्ट वाले वॉल्ट में, उसमें से उठा लेना डायरेक्टली और चलते हैं। तुमको बताया ना पीवीपी के बारे में? हाँ, तो मेरे को बता देना कि क्या क्या करना है, ठीक है? मेरे को बिल्कुल कुछ पता नहीं है, इतना भी प्रो नहीं हूँ भाई। अरे ऐसा कैसे भाई? आजा चलो। मैं वो ले लेता हूँ, क्या सिपोर ले रहे हो क्या? सिपोर भी बना हुआ है, सिपोर चाहिए तो इस वॉल्ट में 500 600 सिपोर पड़ा हुआ है, ये देखो सिपोर चाहिए। पहले ये बना लेते हैं, क्या नाम? हाँ बताना क्या? टेक सूट। अच्छा टेक सूट, एलिमेंट वाली ले लिए क्या तुमने? किट लिया नहीं अभी मैंने। हाँ तो टेक सूट बनाने के लिए एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए तो मैंने हेलमेट नहीं बनाया। ले 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 ना, वो 12 12 घंटे बाद मिलते रहती हैं, इसमें से ले लेना डायरेक्टली। रुकना मेरा रिफ्रेश हुआ क्या देखता हूँ मैं किट में। स्टार्टर किट नहीं, जीरो रिमेनिंग, जीरो परचेज, स्टार्टर किट ना, नहीं बेस किट। अरे इनग्राम के लिए वो कर लेना ना, रुक जाना बता देता हूँ, मेरे को 500 एलिमेंट मिल रहे हैं। लो चलो खींच लो, बना लो बना लो सूट बना लो, रुक जाना मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम तब तक अपने इनग्राम में अनलॉक करके डालो वो 8 7 टोटल वो लॉकड है ना, वो बना लेना, फाइबर से बनेंगे इन्वेंट्री में अपने, अनलॉक करके एक डाल देना चीज, सारे के सारे इनग्राम अनलॉक हो रहे डायरेक्टली। रुक जाना,
तुम्हारे लिए ये सूट बनाता, ठीक है, एंड एक लेगिंग्स बनाता, हेलमेट मेटल का ही पहन के चलते। हेलमेट भाई पट्टे से कोई उड़ा डालेगा, रुकना ये रहा लेकिन। हेलो, इसमें से टेक वाला सूट ये कर लेना। ये क्या है? अच्छा फालतू का सामान डाल रहे हो क्या? रुक जाना, मैं थोड़ी सी एमो ले लेता हूँ गाइस साथ में, ताकि ज़्यादा ना दिक्कत ना हो। हमारे पास टेरेट भी काफ़ी सारी पड़ी हुई है गाइस। एमो इनग्राम खोला नहीं मेरा, इनका अनलॉक वाला वो बना लिया, अनलॉक वाला है। रुक जाना, मैं रुक जाना, ये पिलो में बना के देता हूँ, वो पिलो ये लो, ये सारे के सारे खा लेना। ये लो, इधर आओ, ये सारे खा लो, तुम्हारा जो इनग्राम है डायरेक्टली अनलॉक हो जाएगा। ये लो, और जैसे अनलॉक होगा वैसे बहुत सारी स्किन भी ऐड होती जाएगी, वो सारी स्किन भी सारी फेंक देना। हो रहा है अनलॉक? हो रहा। हाँ चलो डन। और इसके अंदर मैंने बना के रखा है टेक सूट, वो ले लेना, और एलिमेंट लेके फिर चलते एकदम दबाई मचा रहे के लिए। लेट्स गो गाइज, अपना नया खतरनाक सा। अरे यार रुक जाओ, सीपोर का रिमोट लेना पड़ेगा, रुको यार। अरे भाई सीपोर का रिमोट लिया है क्या? अच्छा लिया है मैंने, क्या कर रहे? अच्छा एक ऊपर स्किन लिख के वो ड्रॉप वाले बटन से डायरेक्टली सारी चीज़ें ड्रॉप कर लेना। सर्च में स्किन लिखना और ड्रॉप कर लेना। थोड़ा कुछ रह गया। अच्छा चलो ये ले लेना, और अपन साथ में चलते दोनों फिर। बंदों का सबसे बड़ा सवाल कि मैं ये आइस बैग में क्या कर रहा था पिछले एपिसोड में, तो आपने भेज भी था। मैं बता देता हूँ कि बीच का जो भाई पार्ट है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा था गाइज हमारे जडेजा ब्रदर को। एंड गाइज उन्होंने यहाँ पे क्या करा बताया, क्या जो आर्थोपोडियो नहीं होता है गाइज, वो आर्थोपोडियो वो लेके आ गए, और वो आर्थोपोडियो से जो ना गाइज उन लोग ने जो जमीन के अंदर जो दो फाउंडेशन थी वो सबसे पहले उड़ा दी। एंड उसके बाद मैं बोला कि चलो मैं यहाँ पे इस गुफा में बेस बना लेता हूँ। बड़े जडेजा बोले कि यहाँ पे काफी सारी और भी गुफाएं पड़ी हुई है, तो मैंने उनसे पूछा सिंपली कि आपके नजर में कोई गुफा है तो बता दो ना यार हमको, तो फिर हम भी वाई पे बेस बना लेंगे। तो जडेजा ब्रदर ने ना मेरे को उनके बेस के थोड़ी सी ऊपर ही जो कैसल होता है, वैसे आपने अगर हमारी फौज दूर की वीडियो देखी है तो उसमें वो कैसल मैंने दिखाया था, वो कैसल जो ना गाइस वो दिखा, और बोला कि वो पूरा कैसल खाली पड़ा है, बंदे ने खाली वहां पे फाउंडेशन स्पैम मार के रखी है, ठीक है, उसको ना बाद में वहां पे बेस बनाना था, इसलिए उसने खाली फाउंडेशन स्पैम मार के रखी है, और अपन को जो ना गाइस जाके खाली वो फाउंडेशन अभी उड़ानी है, और पे कब जा करना है वो बंदा ऑनलाइन आके हमारे ऊपर अटैक करे, उससे पहले जितनी भी उसने फाउंडेशन वहां पे डाल रखी है ना वो सारी की सारी मेरे को उड़ा डालनी है, और वही काम अभी तुम्हारा भाई करने वाला है, और उसी के लिए मैं C4 एंड उसके बाद रॉकेट लॉन्चर बना रहा हूं, ठीक है। चलो तो फिर आज का एपिसोड तो चालू हो चुका है, लेकिन बीच में जो गाइस आपको कुछ कंफ्यूजन के कारण समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जो ना गाइस यहां पे मैंने आपको दिखाई नहीं है, वैसे उस पार्ट मैंने पूरा रिकॉर्ड करा ही नहीं था, उस रीजन से वो मैं दिखा नहीं पाया आपको, ठीक है। तो चले गाइस अभी हमारा नया बेस ना आइस बैम में जो कैसल है ना गाइस, उस कैसल की गुफा के अंदर बनने वाला है गाइस, ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे हमको जो नया लोकेशन मिला है वो भाई पूरा का पूरा क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, और हमारे साथ ये जो सोम बाबा जो है ना गाइस वो भी बंदा आ रहा है गाइस, ठीक है, और वो सारे रॉकेट विकेट लॉन्चर बने हुए हैं वो लेके आ जाना, मैं डायरेक्टली उस बेस के पास जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पे टीपी मार देना पीछे से, ओके। चलो इसको मैंने बता दिया है, अभी अपन जो है ना गाइस मस्त बेकी चल दे यहाँ पे अपने बेस वाली लोकेशन पे भाई, ठीक है, और बटाक से जाके रॉकेट लॉन्चर से जो एरिया है ना गाइस वो क्लियर करना चालू कर देते हैं, और वहाँ पे अपनी फाउंडेशन फुल टू स्पैम मार डालेंगे भाई, ठीक है, ओके। आ जाओ, चलो ये अपनी फाउंडेशन एंड ये रहा अपना रॉकेट लॉन्चर। जय भद्रकाली गाइस, जय भद्रकाली, उड़ उड़ के चल दे, वरना भाई डायनो बिनो कोई चेप ना डाले। अच्छा इसने फाउंडेशन लगाना कहाँ से चालू करा है? इसने फाउंडेशन लगाना जो है ना यहाँ से चालू करा है, हाँ ठीक है। चलो भाई अठारह सौ का डैमेज खाली, तो इसके कुछ की तो हेल्थ भाई बहुत तगड़ी वाली होती है, कितनी हेल्थ है अभी, इतना कम डैमेज क्यों पड़ रहा है? अरे भाई इसको तो भाई काफ़ी कम डैमेज पड़ रहा है गाइस यहाँ पे, रुक लगा रहा है, सीपोर से उड़ाना पड़ेगा बेस की आग, सीपोर से उड़ जाएगी क्या? तो नहीं, दो सीपोर से नहीं उड़ रही है यार, ओके ठीक है भाई, तीन चार सीपोर मेरे को जो ना गाइस लग रहा है कि यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, वरना उड़ेगी नहीं गाइस, ठीक है, ये वाला जो ना गाइस वरना उड़ेगा नहीं, मेरे को फाउंडेशन जो ना गाइस वो भी यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। वेट अ मिनट, देख रहे हो मेरे को लगा था गाइस रॉकेट लॉन्चर से उड़ जाएगा, मैंने वो वाली तो रॉकेट लॉन्चर से डायरेक्टली उड़ाई थी। अच्छा टेक वाली गन लेके आया डायरेक्टली भाई,
एक वाली गठ लेके आया गाइस, तुम आगे वाली तोड़ देना, आगे वाली तोड़ देना, मैं इसको उड़ा देता हूँ। तुम आगे वाली उधर उधर वो गुफा देख रही इस तरफ, सामने की तरफ वो देखना। हाँ वो, हाँ वो सीधा गुफा के अंदर घुसो और वो उड़ा दो गुफा। और तुमको बात करनी है तो बी होल्ड करके रखना, फिर मेरे को गेम में आवाज आ जाएगी, ठीक है? वो देखना, वो सामने की तरफ गुफा है, वो उड़ा दो डायरेक्टली। चलो मैं यहाँ पे सीपोर लगा के जो ना गाइस वो उड़ा देता हूँ, एंड इसको मैंने अंदर वाला जो ना गाइस वो उड़ाने के लिए बोला है, ठीक है? वो अंदर का जाके उड़ा देगा। यहाँ पे किसी का भी जो ना गाइस फाउंडेशन नहीं मांगता, काले अपन का ही फाउंडेशन होएगा। जैसे बंदे ने भाई कुछ ज़्यादा खतरनाक वाली फाउंडेशन स्पैम मार डाली है। सीपोर भाई वैसे मेरे पास 500 पड़ा हुआ है, इससे जो ना गाइस आराम से उड़ा डालेंगे अपन, नो प्रॉब्लम हो। ओके ठीक है, चलो हट गया वरना उड़ने वाला था अभी। डन भाई, ठीक है, उड़ गई क्या फाउंडेशन? अरे भाई क्या फाउंडेशन उड़ने का नाम नहीं ले रही यार। गाइस तेरे 15,000 की हेल्थ है भाई, वो फाउंडेशन उड़ने का नाम नहीं ले रही है। उड़ गई क्या? उड़ गई तो लग रहा है भाई, ये उड़ क्यों नहीं रही है? ए रुकना रुकना, हेलो 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 हेलो, किधर हो किधर हो? अरे इधर आना इधर आना। एक काम कर लेते हम, अर्थो बाई करते, आ जाओ बेस पे, चलो बेस पे चलो। ऐसे तो भाई सारा रिसोर्स ही खत्म जाएगा, उड़ नहीं रहा। अर्थो बाई कर लेते हैं, मैं तुमको एक आर्थो देता है, फिर हम दोनों आके अर्थो पोडियो से उड़ा डालेंगे इनके, इसके वो मेटल वाले फाउंडेशन को। चलो बेस में लेके चलता है, रुकना। तुम गेम में बात नहीं कर पा रहे हो क्या? ऐसा टाइप करके बताना ये सोरनो, मेरे को तुम्हारी आवाज़ ही ना आ रही है। रुक जाना गाइस, इसको घर पे लेके चलता मैं। बी बी होल्ड करके रखना बी। अरे एक मिनट रुक जा, मैंने भाई अपना वॉइस वाला जो है ना गाइस गेम वॉइस वाला बंद कर रखा होगा। रुकना रुकना रुकना, मेरे को पता चल गया गाइस, मेरे को पता चल गया, रुकना ना। तो वॉइस तो फूली है, तो कुछ तो सीन है फिर, कुछ कुछ तो गड़बड़ है दया, तुम्हारा माइक का कुछ सीन होगा। वापस टीपी मार लेना, तुम ग्लिच में अटक गए, टीपी मार लेना वापस, अपने होम पे ही टीपी मार लेना। मैं अर्थो पोडियो बाय करता, रुकना तब तक। चलो गाइस अर्थो पोडियो लेके चलेंगे ना भाई। भाई हमारे डीजे सर भाई इतनी अच्छी भाई चीज़ बता के चले गए भाई, बट फिर भी भाई अर्थो पोडियो नाम होता है ना गाइस उसका, अर्थो पोलो रनन वावा। हाँ ठीक है, सो इसको एक बाय कर लेता हूँ, एक अर्थो पोलो रनन वावा एंड एक और बाय कर लेता हूँ। टोटल दो जो है ना गाइस अर्थो अपन यहाँ पे बाय कर रहे हैं, बाकी ये अर्थो जो है गाइस ओ असेंडेंट नहीं नॉर्मल सैडल के साथ आए, ठीक है? ये लेना तुम्हारा कुछ तो माइक का सीन होगा मेरे को लग रहा है। रुकना रुकना रुकना, मैं आता डिस्कॉर्ड मेरे को। तो गाइज आप अभी बहुत ज़्यादा बड़ी दुविधा में हो गए कि मैं यहाँ पे ऐसा नंगा पुंगा क्या कर रहा हूँ। तो गाइज एक्चुअली में जो है ना गाइज मेरी लाइट चली गई थी, हमको जो है ना गाइज ये जडेजा भाई ने खतरनाक सा बेस बताया है। अभी ये बेस जो है ना गाइज मैं अपने आर्थोपोडियो से उड़ा रहा था, एंड उड़ाते उड़ाते मैंने मैक्सिमम फाउंडेशन उड़ा दी थी, और ये कोने की फाउंडेशन उड़ाने के लिए जैसे आया मेरा लाइट चली गई, और उसके कारण वो रिकॉर्डिंग भी करप्ट हो चुकी है। अभी जो है ना गाइज मैं किसी को यहाँ पे बुला लेता हूँ मेरे को उठाने के लिए। गाइज रुक जाओ, मैं ट्राइब में डाल देता हूँ। हेलो एक बंदा ट्राइब में तो अपना है भाई, मैं अभी जिंदा हूँ, आहना लेने मेरे को, ठीक है? रुक जाओ, ओके यू मस्ट वेट। अरे भाई ये बंदा एक ही नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन एक ही नहीं गाइस, ठीक है? एक है ऑनलाइन, पता नहीं यार मेरे को मरना फिरना पड़ेगा क्या आपने भाई? वो वाले बेस पे गाइस आई थिंक अपन ने जो ना गाइस कुछ लगा नहीं रखा था, पता नहीं गाइस। मेरा सामान जो है ना गाइस मैंने उसको भाई लेके जाने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई और बंदा आता ना तो भाई मेरे को लूट के चला जाता। रुक जाओ गाइस, मैं उससे जो है ना गाइस बात कर लेता और देखता हूँ गाइस कि वो है कहाँ पे। और गाइस वो मेरे को लेने नहीं आ रहा होगा तो मेरे को खुद मरना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। हेलो, हाँ आ रही आवाज़। अरे मेरे पास टेलीपोर्टर रिमोट नहीं, इसलिए नाम नहीं आ रहा। यहाँ पे आके मेरे को वो कर लेना ना, उठा लेना ना। अच्छा अच्छा, वो टेलीपोर्टर उसी पे आना, वो बेस लिख के हुआ है ना उसी पे आ जाना। ओके ओके ओके, आ जाना भाई। अभी जस्ट मेरी लाइट आई, मेरे को मारा नहीं क्या? अच्छा ऐसी मिल गई क्या मेरी पेटी? हाँ, मैंने रॉकेट लॉन्चर से कोशिश की, मार नहीं पाया। अरे भाई शायद हम प्लेयर को नहीं मार सकते, हमारे टीममेट्स को लग रहा है मेरे को। मेरा खुद का टूट गया कुछ। वाह भाई वाह, सही है। अच्छा इसके अंदर कुछ बनाया है क्या? अभी तक तो मैं उसका वॉइस पे कुछ कर रहा था शायद। अच्छा रुकना रुकना, मैं देख लेता हूँ। ये बाहर की फाउंडेशन है ना, ये तोड़नी पड़ेगी, ये इसके कारण दिक्कत हो रही थी काफी ज्यादा। मैं इधर ही हूँ, आप कहाँ पे हो? मैं वो ब्रिज के पास हूँ, ब्रिज के नीचे ही खड़ा हूँ, मैं ऊपर भी नहीं जा सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। ब्रिज, ओके। ये जो किले का ब्रिज है ना यहाँ पे, इसको फटाक से बना लेते हैं। अभी 20 बंदे खेल रहे, किसी ने धर लिया ना बैंड बजा देंगे डायरेक्टली, तो फटाफट से करना पड़ेगा ये।
मैं ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ, यहाँ पे आ जाओ ना। ओके ओके मेरा सामान है क्या तुम्हारे पास या घर पे छोड़ दिया है? घर पे छोड़ दिया मैंने। अच्छा ठीक है आ जाओ आ जाओ। इधर बेस है क्या कोई? अरे नहीं नीचे नहीं है बेस, होगा पता नहीं मेरे को, नीचे चले गए ना तुम एक खाई में शायद। हाँ ऊपर हो क्या? हाँ ऊपर हो एकदम ऊपर, आना सीधा सीधा ऊपर ऊपर आ जाओ एकदम ऐसे ब्रिज के पास हो। अच्छा ये टेक सूट पहने हुए, अरे गाय गिर गया भाई, अरे भाई अरे भाई गया सुहा लग गया बैंड बज गई। अरे जिंदा हूँ जिंदा हूँ अभी तक, अरे अभी अभी वही वही पे हुआ जहाँ पे। हाँ भाई ऊपर से गिर गया भाई इतनी ज्यादा, इसमें फॉल डैमेज काफी ज्यादा कम है। मेरे को सीधा बेस पे लेके चलो और मेरे को वो बता देना सामान कहाँ पे रखा है। हरतु पूड़ो ले लिया ना तुमने? सारे ले लिया मैंने। नहीं तुम्हारा वाला ले लिया? मैंने नहीं लिया अभी तक। अच्छा वो तुम्हारे लिए एक डाला था मैंने बेस पे, वो उठा लिया था तुमने? मैंने उठाया नहीं, वहाँ पे रख दिया मैंने। अच्छा ठीक है मैं अभी ये उड़ा देता हूँ और अंदर से फिर थोड़ा सा बाहर फाउंडेशन स्पैम कर देंगे। यहाँ पे कुछ तो इसने ग्लिच से फंसा रखी है फाउंडेशन, सो उस रीजन से दिक्कत हो रही है। कहाँ पे रखा है ये लास्ट वाले में क्या? नहीं इसमें तो नहीं है, ऊपर वाले में होगा शायद। अच्छा ये रहा ये रहा, हाँ मिल गया सामान मिल गया मेरा। अच्छा मेरा खोपड़ी टूट गया था तुमने, तुम्हारे रॉकेट लॉन्चर से लग रहा है मेरे को। रुकना प्लेक का जूता गायब हो गया, रुक जाना मैं प्लेक का एक जूता बना लेता हूँ। प्लेक का नहीं सॉरी टेक का वाला, ये फॉल डैमेज से बचाता है ना अपन को। जाना टर्न ऑन हेवी गो। ओके चलो अभी रॉकेट लॉन्च। अच्छा यहीं पे डाला हुआ था तुमने ये जूता, रिपेयर करके लेना चाहिए था, मैंने बना लिया अभी नया। चलो कोई सीन नहीं है, चलो चल रहे हो साथ में? हाँ हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। अरे मेरी लाइट गई थी, मैं उसका उड़ा रहा था फेस का, लाइट ही चली गई टाइम पे। बाद में मैंने बोला कि मेरा सामान ले लेना। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ तुम आप जा रहे हो क्या? नहीं जा तो नहीं रहा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सर्वर एक दो बार वार्निंग देगा, वो एक दो बार वो उठा देगा। मतलब देखो आप रेड कर रहे हो ना, तो 300 ज्यादा डायनो आप यूज नहीं कर सकते एक साथ। अच्छा नहीं रेड, अच्छा अच्छा समझ गया। तीन या चार कितना लिमिट कितना है? तीन ही है क्या? तीन ही लेके जा सकते हो, लेके कितने भी जाओ, लेकिन रेड में तीन ही यूज कर सकते हो। लाइक सोकिंग बीकिंग के लिए वैसे तीन ही यूज करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। हां नहीं कर सकते। दूर से देखना है गाली। जैसे कि मेरे बेस पे कोई रेस कर रहा है तो आप डिफेंड करने के लिए नहीं जा सकते, और आपका बेस रेड कर रहा है। अच्छा अभी तो काफी ज्यादा बंदे आ गए यहाँ पे इस सर्वर में, भी काफी लोग खेल रहे हैं। मैं अभी वही उड़ा रहा हूँ सारी फाउंडेशन, फिर चालू कर दूंगा। अरे ये कुछ फाउंडेशन पे 1000 का डैमेज दे रहा है, कुछ पे 10000 का, ऐसा क्या सीन है? मतलब नहीं थे मेरे पास भाई भाई गिर गया इसने ना, वो आसमान में लगा के रखे कुछ, वो अपने ब्रिज के साइड में लगा रखी है कुछ अपनी फाउंडेशन, वही तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले से अंदर की तोड़ दो ताकि आप। हाँ अंदर की तोड़ दिया, अंदर में लगा सकता फाउंडेशन, बट सीन ये हो रहा है कि अंदर भी पूरी लग नहीं रही है, ये बाहर की रेंज के कारण शायद वो अंदर नहीं लग रही है थोड़ी। वो अंदर का बॉक्स पूरा क्लियर हो चुका है, बाहर की एक दो तोड़नी बाकी है खाली, बाकी सब कुछ क्लियर है। अभी वही करके काम चालू कर देता हूँ। हाँ कोई अभी आना पड़े अंदर बिल्ड करते करते। हाँ तुम क्या बना रहे हो क्या कुछ सोम? एलिमेंट लिया। अच्छा एलिमेंट कहाँ से मिल रहे? ड्रॉप से मिल रहे क्या? इसमें है ना। अच्छा उसमें है। ओके नहीं शार्ड बनाना मत कीजिए, एक दो लोकेशन है मैं दे देगा उधर जाके दे ले। अच्छा इसमें एलिमेंट का क्या सीन है, खाली बॉस फाइट ही है क्या? बॉस फाइट क्यों करने की, मिल तो रहा है। अच्छा ये 500 मतलब कहीं मतलब उसकी फार्मिंग नहीं कर सकते ना, ये इसी से मिल रहा है ना खाली? नहीं फार्मिंग शार्ड की कर सकते हो, इसका एलिमेंट का नहीं है, एलिमेंट और है लेकिन। अच्छा ओके ठीक है चलो भाई। इसने भाई यहाँ पे भाई बाहर बियर हर तरफ लगा रखे लग रहा है। हाँ इधर भी लगा रखे फाउंडेशन भाई बंदे ने, सब तोड़नी पड़ेगी उसके बाद ही कर लेगा। इंडियन ही बंदा है, पहचान वाला ही है। पहचान वाला ही है क्या? हाँ लेकिन वो आया नहीं,
सर्वर स्टार्ट हुआ तब से नहीं आया, एक मिनट डाल दो। ओ ठीक है रुकना, मैं इसके ऊपर भाई आर्थो को फाउंडेशन के ऊपर स्पॉन करा करा के उड़ा देता हूँ। रॉकेट लॉन्चर से उड़ने में 400 साल लग रहे उसको, इसने ऊपर ऊपर, अरे हो ही नहीं रहा यहाँ पे, हो गया फट से। चलो खत्म, लेट्स गो, ऐसे करना पड़ेगा लग रहा है। मैंने कल ऐसा बेस उड़ाया भाई, उधर ना जा सकते ना उतर सकते, उधर से गिरे तो डायरेक्ट ऊपर ऐसा वाला। कहाँ पे था, कौन से भाई में उड़ा है? इधर इधर अपने बेस के पास ही, पूरा टॉप पे था, पहाड़ के टॉप पे। भाई लैंड रखने की जगह भी नहीं थी, स्टिको जैसे तैसे करके चढ़ा चढ़ा के उड़ाया। स्टिको आसमान से डाल दिए थे क्या डायरेक्टली? नहीं नहीं वो फाउंडेशन कौन है, वो एस प्लस वाला लगता है ना फाउंडेशन। अच्छा अच्छा, पहाड़ पहाड़ के ऊपर लगा दिए स्ट्रेट। तुमको डैमेज कौन दे रहा है ब्रो? डायनोस का मुझे लगा कोई मार गिर रहा है तुमको। अंदर जाके देखना अभी फाउंडेशन हम लगा पा रहे हैं क्या, उस टाइम लगा नहीं पा रहे थे अंदर। रुक लग रहा है इसने एक दो ना कहीं तो ग्लिच करके रखी है फाउंडेशन यहाँ पे कहीं कहीं पे। क्यों मोड़ करके देखी है? हाँ वही वही करके देख रहा हूँ अभी मैं, पहले ये उड़ा के वही करके देख रहा हूँ। क्या फाउंडेशन ऊपर है क्या माउंटेन के? तो उड़ा देना ना आर्थो लेके आके, उड़ा देना फिर वो फाउंडेशन। मैं ये वाली क्लियर कर देता हूँ, तुम ऊपर की कर लो। एक कोने कोने पे लगा रखे, उड़ा देता हूँ बेस कैक। हैरी नहीं खेल रहे? नहीं हैरी का तो थोड़ा सा पता नहीं, वो थोड़ा एकदम फिट फिटनेस गुरु बन चुका है, सो अभी खेल नहीं रहा वो, बाद में कभी आएगा। हाँ जिम नहीं जा रहा है, दिन में 3 बार वॉक करने के लिए जा रहा है। बताओ वॉक करने जा रहे हैं दिन में 3 बार एकदम। भाई बंदे ने भाई इधर भी इधर भाई बाढ़ में जाए, इधर नहीं लगाता मैं, इधर ही कर लेता हूँ काम का। चलो अरे नहीं तुमको दिया था वो, लिया नहीं क्या तुमने? वो मैंने बेस में डाला था यार, तो बूढ़े तुम्हारे सामने वो उठाया नहीं तुमने? इसके लिए बोल रहे हो? हाँ तो फिर हो गया, फिर कोई सीन नहीं, अर्थो बूढ़े के लिए बोले। 300 पॉइंट तो वही लेना और ऑटो ब्रीड पे डाल देना तो हाँ हो जाएगा काम। रुको ना अभी देखता फाउंडेशन लग रही है क्या यहाँ पे, इसकी 5 फाउंडेशन ही। अच्छा अभी लग रही है ना एकदम, ये वो ब्रिज वाला ही सीन था स्पैम, यू डोंट डाला। अच्छा पीवीपी कूलडाउन लगा, इधर लगा सकता हो क्या? हो गया, आ जाओ ब्रदर अभी ना यहाँ पे। तो इधर एक बार टीवी मारना क्या तुम्हारे ऊपर? हाँ नहीं मार सकता मैं, रुकना कूलडाउन लगा हुआ है, मैं अभी नहीं मार पाऊंगा, थोड़ा रुक जाना। कोई है क्या, कुछ है क्या वहाँ पे? फाउंडेशन है आप? अच्छा टूट रहा टूट रहा, छोड़ दो मैं तोड़ रहा। अर्थोबुड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं रॉकेट से टूट रहा टूट रहा। नहीं नहीं रॉकेट से बहुत टाइम लग जाएगा, एक काम करना मारना बंद करो, 30 सेकंड का कूलडाउन लग रहा है। मैं ना यहाँ पे वो बेस बिल्ड करना चालू कर देता हूँ, तब तक तुम फिर वो फाउंडेशन ही कर लेना ठीक है? काम हो तो बुला देना मैं आ जाऊँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रुकना अभी अभी तुम मारना नहीं बिल्कुल कुछ भी, मैं 30 सेकंड में तुम्हारे पास टीपी मार देता हूँ। एंड रुक जाओ, फाउंडेशन लेके आए थे क्या तुम? फाउंडेशन ले आया। हाँ ठीक है चलो, तो फाउंडेशन उड़ाने के बाद वहीं पे लगा देना, मैं तब तक अंदर साइड ना पूरा अपना बेस उधर का ना यहाँ पे पूरा का पूरा शिफ्ट मार लेता हूँ ठीक है? ठीक है मैं यहीं पे हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पे एनिमी फाउंडेशन आ रहा है ब्रिज के पास, ठीक है ठीक है। कहाँ पे हो तुम? ऊपर तो बहुत सारा है फाउंडेशन। किसके? अपने माउंटेन के ऊपर है क्या? हाँ अपने माउंटेन के। रुकना मैं टीपी मार रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, माउंटेन के ऊपर भी लगा रखा है बेस क्या? किसने कहाँ फाउंडेशन लगा रखा है आराम करो ने? अरे हाँ ये लो ये लो, मैं पूरा बेस जो है ना अपना यहाँ पे शिफ्ट मार देता हूँ तब तक ठीक है। ये लेना ये अर्थो बोड़ियो लेना, और इसको ऐसे क्राइव करके लेके जाना। गने ना सोल गने कि नहीं? ऐसे पोच नहीं पाओगे, 400 साल लगेंगे। नहीं है क्या सोल गन? सोल है मेरे पास, कोई नहीं सोल से ले लो। बॉल है क्या खाली? ये लो गन ले लो, गन ले लो इजी पड़ जाएगा, कहाँ कितना बॉल करोगे। लो गन डाल दे। चलो मैं भी बिल्ड करने का काम चालू कर देता हूँ। अच्छा ये कौन से साइड पे है ये? अच्छा इधर है क्या? उधर की जरूरत नहीं है हमको, उस गुफा में बनाना है ठीक है। ये वाले अगर ये तोड़ोगे भी नहीं ना तो भी कोई सीन नहीं है, तोड़ रहे हो तो तोड़ दो। वैसे वैसे हमको उस गुफा में बनाना है, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे हम ब्रीडिंग करा सकते हैं। तोड़ दो यहाँ पे ब्रीडिंग कर लेंगे, गुफा के अंदर शायद ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा ना छोटी जगह पे। तो गाइज यहाँ पे
मैक्सिमम आज का जो पार्ट है ना गाइस, जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो गाइस करप्टेड बाय वीडियो के कारण मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाया। बट गाइस आइस बैम पे किस कैसल पे अपन ने कब्जा कराया गाइस वो आपको पता चल ही चुका होगा। मैक्सिमम नहीं, सारी की सारी जो उसकी फाउंडेशन थी वो सारे हमने क्लियर कर दिए। और तो पूरी जो ना गाइस उससे मैंने जो भाई वीडियो करप्ट हुई ना उसमें भी काफी सारी फाउंडेशन उड़ा दी थी। और अभी जो ना गाइस हम उसी जगह पे गाइस, ठीक है, हमने कैप्चर कैसल को कर लिया गाइस, ठीक है। उस कैसल का नया किंग कौन है? तेरा भाई ना। तो गाइस उस कैसल को हमने कैप्चर कर लिया है। और अभी जो ना गाइस हम लोग गाइस उस कैसल के जो ना गाइस नीचे बेस बनाने वाले और ऊपर साइड हर तरफ खाली टेरेट ही टेरेट लगाएंगे। और गाइस मैं जो ना गाइस आने वाले जो एक दो एपिसोड है ना गाइस उसमें टेरेट टावर कैसे बनाते हैं ना गाइस उससे ट्रेनिंग भी लेने वाला हूं गाइस, ठीक है, हमारे गुरुदेव से। तो चलिए गाइस आज का फिलहाल के लिए एपिसोड जो ना गाइस हमारा नूबी वूबी का ये पे खत्म करते। वैसे नई बेस की लोकेशन आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके बता देना। वैसे नया पेज जो ना गाइस अगले एपिसोड में मैं आपको जो ना अच्छे से दिखाऊंगा और कहां पे क्या क्या करने वाले वो भी बताऊंगा। तो मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.